Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. As you can see in the background, हम लोग यहाँ पे 10th class का science अब start करने जा रहे हैं. सबसे पहले वैसे तो मैंने एक poll किया था, वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे यही कह रहे थे कि मैम term 1 के syllabus से ही start करो. So we are beginning with chapter number 1, chemistry का first chapter है हमारा, chemical reactions and equations. ठीक है, easy chapter है, simple chapter है. इस चैप्टर से पहले जो बच्चे 9th में केमिस्ट्री को अवॉइड करके आए हैं, बेटा यहाँ पे आपको फिर से यूज होगा. बट डोंट वरी, जब हम यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे, आगे चैप्टर को समझेंगे, तो 9th में जो जो अगर आप स्किप भी करके आए हो या 9th में आपको जिस चीज में कंफ्यूजन थी वो भी यहाँ पे हम दोबारा से समझ लेंगे. ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले देखो, आपको पता ही है मेरा पढ़ाने में, सबसे पहले तो ये चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे. नाम है केमिकल रिएक्शन, क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है. बट इससे पहले हमें जो चीज समझनी है वो है केमिकल और फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. देखो वैसे तो ये शायद 8th क्लास के सिलेबस में था, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा. फिजिकल चेंज होता है, इन दिस चेंज आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम. जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो वैसी की वैसी रहती है. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग, बॉइलिंग एक्सेट्रा. मतलब चेंज तो कुछ हो रहा है लेकिन उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही. जैसे कि मेल्टिंग, बर्फ रखी आपने फिर से निकाल के बाहर रख दी, क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी. लेकिन फिर से जमा लो भाई उसको, फिर से बर्फ बन जाएगी. तो मतलब आइडेंटिटी वैसी की वैसी है. कोई नया प्रोडक्ट है, यहाँ पे लगता तो हाँ पानी नया प्रोडक्ट मिल गया, बट अगेन उस पानी को फ्रीज कर सकते हो तो कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला, उसी का ही स्टेट चेंज हुआ है. सिर्फ पहले सॉलिड में था फिर लिक्विड में हो गया, तो वो हो गया हमारा फिजिकल चेंज. जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया. सो ये सारे ऐसे चेंजेस हमारे आते हैं फिजिकल चेंज में. फिजिकली तो चेंज हुआ बट कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ. तो अब ये केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज हमारा होता है द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज, रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस ड्यू टू फॉर्मेशन और ब्रोकन डाउन ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स. ये जितना डिफिकल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज की तरह समझ लो. यहाँ लिखा हुआ है सिंपल, केमिकल चेंज में जब भी कोई नया सब्सटेंस बनेगा तो वो हमारा केमिकल चेंज होगा. ठीक है ना, जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने चार पांच चीजें मिलाई है, बाद में पोटेशियम आयोडीन डाल दिया, और ये देखो जो चीजें डाली थी वो आइडेंटिटी कहाँ गई, उसकी गायब हो गई. केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज देखने को मिला. यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यही हो रहा है कि जैसे दो चीजें मिक्स करे और कलर ही चेंज हो गया. जो चीजें मिक्स करी थी उसकी आइडेंटिटी खत्म, नई चीज मिल गई, तो वो है हमारा केमिकल चेंज. ठीक है, समझ में आई ये चीज. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन. अब अगर केमिकल चेंज समझ आ गया, केमिकल चेंज कब होता है, जब कोई रिएक्शन होता है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं. केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब एक केमिकल रिएक्शन कब हुआ, जब एक ऐसा प्रोसेस बाय विच टू और मोर, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस ने रिएक्ट किया एक दूसरे के साथ और एक नया सब्सटेंस बना लिया. सो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, एक न्यू सब्सटेंस बना है. ठीक है, जैसे सिंपल, सबसे सिंपल H2+O2 क्या देता है हमें, H2O. हाइड्रोजन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो हमें मिल गया वाटर, नया सब्सटेंस मिला ना. अब इस वाटर में से जरा निकाल के दिखा दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, नहीं कर सकते ना, आइडेंटिटी खत्म हो गई ना, मिलके नई चीज बना ली उन्होंने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. अब यहाँ पे तो हम इतने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ कैसे पता चलेगा. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको बता दिया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा चेंज, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. जैसे फिजिकल में भी हमने देखा, सॉलिड से लिक्विड में आ गया, लिक्विड से गैस में आ गया. सो यहाँ पे ये होगा चीज. देन है चेंज इन कलर, कलर में चेंज दिख सकता है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस जैसे ही वो रिएक्शन हुआ कोई गैस ही हुआ, जैसे O2 मान लो, सबसे सिंपल सी ऑक्सीजन रिलीज हो गई. सो वो कुछ ना कुछ होगा, मतलब जरूरी नहीं है ये सभी चीजें हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है. देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो यहाँ पे भी ये दिख रहा है आपको, जब उन्होंने दो चीजें, तो खैर कुछ नहीं, सॉल्ट सा ही बन गया, इसको रहने दो.
जैसे क्या होता है जब आप कोई दो चीज इनसॉल्यूबल चीजें मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऐसी चीज बन जाती है जो डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो वो जाके उस रिएक्शन के या उस बीकर के लास्ट में जाके बैठ जाती है, तो वो होता है प्रेसिपिटेट। तो अगर कोई प्रेसिपिटेट बन गया है तो भी मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। या चेंज इन टेम्परेचर, जैसे आसपास एकदम से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब हीट रिलीज हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ, या टेम्परेचर कूल डाउन हो गया कि उस रिएक्शन ने क्या कर लिया, आसपास की सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है जी, तो ये देखेंगे, अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं फटाफट से। सो अब देखो, पहले हमने बात करी थी चेंज इन स्टेट, किस स्टेट बदलेगी, जब अमोनिया गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ टू फॉर्म सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमने पहले एक गैस ली, दूसरे में हमने हाइड्रोजन क्लोराइड अगेन गैस ली, दो गैसेस को हमने कंबाइन किया और जो बना वो एक सॉलिड है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दो गैस को लिया एंड जो हमारा प्रोडक्ट था वो सॉलिड था, तो दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट देख लो, चेंज इन कलर, कलर चेंज का वो कैसे देख सकते हैं, आयरन रस्ट, और कितना सिंपल एग्जांपल है, जो लोहा होता है उसको अगर आप बिल्कुल पेंट वेंट करके ना रखो और ऐसी कोई लोहे की जैसे वो क्या बोलते हैं चेन्स वगैरह हैवी हैवी होते हैं तो क्या होता है, उसपे जंग लग जाती है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, तो अपने आप कलर चेंज हो जाता है, तो वो जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये पढ़ लेते हैं, आयरन रस्टिंग विच हैज कलर चेंज फ्रॉम सिल्वर टू रेडिश ब्राउन, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट था इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, कोई गैस इवॉल्व हुई है, सो व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें एक गैस साथ में निकलती है विच इज हाइड्रोजन गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब ये हमने देखा था ना, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है, व्हेन अ सॉल्यूएबल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद बेरियम, बेरियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्जर्व, तो क्या होगा जब आप एक कार्बोनेट को रिएक्ट कराओगे बेरियम से, सो बेरियम के कार्बन, बेरियम कार्बोनेट के आपको प्रेसिपिटेट दिखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज का एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर, जब हम क्विक लाइम को रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ, ऑल्सो ये याद रखना क्विक लाइम को पानी के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो जो सब्सटेंस एक स्लीक सा वो बन जाता है, वो व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान रखना, ये आप पूरे चैप्टर में क्विक लाइम का, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगा। सो व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड, तो उससे स्लेक्ड लाइम बनता है विद अ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और काफी आपने देखा होगा यार कभी कुछ ऐसे हम कोई चीज डिसॉल्व करते हैं और सडनली देखते हैं वो गर्म हो गई है, क्यों होता है, क्योंकि हीट रिलीज हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे वही एग्जांपल है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कॉजिंग चेंज इन टेम्परेचर इन दी रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर, तो ये सारी वो चीजें हैं जहां से पता लगता है कि हाँ भैया कोई ना कोई आपने केमिकल रिएक्शन किया है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्वेशन, तो इस केमिकल इक्वेशन को वी आर गोइंग टू टेक दिस इन दी नेक्स्ट सेशन। तो अभी हमने समझ लिया फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब केमिकल इक्वेशन पे आएंगे बट इन दी नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय।